शाहरुख खान और रामचरण के विवाद पर डायरेक्टर राजामौली का चौंकाने वाला रिएक्शन आया है। रामचरण को अंबानी शादी में शाहरुख खान मजाक में इडली बड़ा कहकर बुलाते हैं, लेकिन रामचरण के फैंस को ये बात पसंद नहीं आई। वही डायरेक्टर राजामौली इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि शाहरुख खान का कोई गलती नहीं है, उनका रामचरण के साथ बहुत अच्छा दोस्ती है और किंग खान दोनों हंसी मजाक करते रहते हैं। वही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रामचरण उम्र में शाहरुख खान से काफी छोटे हैं, तो वो मजाक में ये बोल सकते हैं। वही इडली साउथ का कल्चर है, जिसका शाहरुख ने जिक्र करके एक तरह से रिस्पेक्ट दिया, लेकिन ये बात रामचरण फैंस को ही पसंद नहीं आई। वही किंग खान ने नाटो नाटो सॉन्ग पर डांस भी किया। उड़ के जिगरी यारों सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का एक साथ स्टेज पर डांस करना था ये। वही किंग खान भी इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि वो ऑडियंस के सामने एक दमदार एक्शन फिल्म लेकर आए। वही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शाहरुख खान अभी ऋतिक रोशन के पिता से भी मीटिंग कर चुके हैं। इस साल शाहरुख अपनी फिल्मों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर एक्शन फिल्में ही होगी। वही दोस्तों शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे, अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं। खबरों की माने तो तीन बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा तीन बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा, उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया। जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद एटली की जवान की रिलीज के साथ की और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा।